आशीर्वाद दियो आशीर्वाद। सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर की छोटी काशी कहे जाने वाले परमठ मंदिर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से आज सावन के पहले सोमवार पर यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के यहाँ पर जो भी दर्शन करने आए भक्तों के लिए इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर रात के तकरीबन 2:30 बजे से भक्तों की लाइन लगी हुई है। लाइन में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग भगवान शंकर के भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं, और जिस तरह से यहाँ के एक सावन का सोमवार जो पहला पड़ा है, इस बार एक विशेष संयोग है कि 72 सालों के बाद इस तरह का संयोग बना है जब सावन की शुरुआत सोमवार से हो रही है और उसकी समाप्ति भी यानी कि समापन भी सोमवार से ही होगा। यहाँ पर भक्त जो लाइन पर लगे हैं तकरीबन 4-4 घंटे से लगे हुए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर जो दर्शन करने भक्त आते हैं लाखों की तादाद में आते हैं। अगर सावन के सोमवार की बात की जाए तो सावन के सोमवार में तकरीबन यहाँ पर 1 लाख से अधिक लोग दर्शन करते हैं पूरे दिन में। इसी तरह से पूरे सावन में और सोमवार पर खास तौर से तैयारी की जाती है। यहाँ पर भक्त मौजूद है, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कितने बजे से यहाँ पर लाइन में लगे हैं और कितना टाइम हो गया अभी और क्या लगता है कब दर्शन मिलेंगे? मैं 6 बजे से लगी हूँ। सुबह 6 बजे से, तो क्या लगता है कब तक उम्मीद है कि अंदर दर्शन कर पाए? अभी आधा घंटा 1 घंटा और लगेगा। आज का चूंकि विशेष एक महत्व है, सावन का सोमवार है, क्या आज आप कामना करती हैं? सबका सब कुछ पूरा हो। आप जिस सकते हैं कि यहाँ पर जो भक्त कई कई घंटों से यहाँ पर लाइन में लगे हैं, यहाँ पर देर रात से ही लाइन लग जाती है। आइए कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से जो सेवक है वो भी लगे हुए हैं, और जो यहाँ पर आइए यहाँ पर कोशिश करते हैं और दूर जाने का प्रयास करते हैं। आपसे बात कर लेते हैं, आप लोग कितनी देर से लाएंगे? हम चलिए, आप कुछ बताना नहीं चाहती हैं आगे और किसी से जानकारी लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं, कुछ सेवादार हैं उनसे बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर इंतजाम में लगे हुए हैं, कितने बजे से लाइन में लोग आ गए कि जो लग गए परमठ में, क्योंकि बताते हैं रात से ही लाइन लग जाती है यहाँ। लगभग रात में 9 बजे से लाइन लग जाती है बाबा के दरबार में, और ये अपने कानपुर का बहुत सिद्ध मंदिर है बाबा नंदेश्वर। ओम नुम यहाँ 10 बजे से सेवादार आते हैं, 9 बजे से आते हैं, 8 बजे आते हैं, सबकी अपनी रूटी रहती है, सब अपना मन से लगन से सेवा करते हैं श्रद्धालुओं की। बस ये और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सेवादार, क्योंकि तकरीबन बताया जाता है कि सेवादार जो होते हैं यहाँ पर 200 से अधिक सेवादार यहाँ पर लगाए गए हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पर 50 से ज्यादा CCTV कैमरे की निगरानी में यहाँ पर जो है भक्त दर्शन कर रहे हैं। किसी भी तरह की चूक ना हो इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं, पुलिस प्रशासन से लेकर के मंदिर प्रशासन ने पूरे इंतजाम किए हैं। आइए और लोगों से बात करते हैं जो लोग यहाँ पर जो है पूरी व्यवस्था को देखते हैं। आपसे बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? सत्येंद्र वाजपेयी। सत्येंद्र सर, यहाँ पर जिस तरह से इंतजाम हुए हैं और यहाँ पर बताते हैं कि 1 लाख से अधिक सोमवार को जो है दर्शन करते हैं लोग सावन के सोमवार में, और किस तरह के इंतजाम है, आप लोग कब से व्यवस्था में लगे? यहाँ पर जो सावन के सोमवार में 1 लाख नहीं बल्कि 3 लाख से ऊपर दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, और यहाँ पे सारी सुविधाएं उनके लिए की गई है। जो विकलांग है, चलने में असमर्थ है, उनके लिए व्हील चेयर, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, दर्शनार्थियों के लिए पानी का कैंप बगल में लगा है, सबको पानी की व्यवस्था कराई गई है सुगमता से, महिला और पुरुष की लाइन अलग अलग करके अंदर एक एक करके सबको दर्शन कराया जा रहा है, जो कि रात्रि 2 बजे से लगातार चल रहा है, और अभी तक जो है संख्या 80,000 के ऊपर पहुंच चुकी है, जो कि शाम तक एक अच्छी स्थिति में सभी लोग दर्शन करके अपने घर पहुंचे। यहाँ पर एक विशेष महत्व माना जाता है इस प्राचीन मंदिर को लेकर, क्या उसके पीछे पूरा? इसको कानपुर का काशी कहा जाता है। यहाँ पर यहाँ के राजा थे, उनकी एक गाय थी आनंदी, जो कि जब चरने जाती थी तो वहां पर स्वतः उसका दूध सारा खाली हो जाता था, तो राजा ने एक बार चेक करने के लिए भेजा, तो वहां पर जब खुदाई कराई गई तो शिवलिंग निकले, तो ये स्वयंभू प्रकट हुए हैं, ये आनंद के दाता हैं, भोलेनाथ हैं, तो यही इनका महत्व है कि जो यहाँ दर्शन करता है वो हमेशा आनंद में रहता है। आपसे एक सवाल और पूछना चाहते हैं, इस समय एक चर्चाओं में एक विषय बहुत है कि कावड़ियों को लेकर एक चर्चा है कि जो है कावड़ियों के जो रास्ते होंगे वहां पर जो है आदेश दिए गए हैं कि जो दुकानों में नाम लिखा जाए और वहां की पहचान, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? ये सही हो रहा है, हमें पता होना चाहिए कि हम किसके द्वारा बनाया हुआ खाना खा रहे हैं और हमें क्या परोसा जा रहा है, किसके द्वारा बनाया गया खा रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन हमें क्या परोसा जा रहा है उस आड़ में,
खाने की आड़ में हमें क्या खिलाया जा रहा है, हमें शाकाहारी खिलाया जा रहा है कि मांसाहारी खिलाया जा रहा है, बाकी किसी के लिए टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। आपसे बात कर ले, हमारे साथ एक मंदिर के सेवक और मौजूद हैं, क्या नाम है सर आपका? और इस तरह से अगर व्यवस्था की बात की जाए तो बताया सर ने भी कि 80,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन करिए, क्या उम्मीद है और भक्त किस तरह से उत्साह से यहाँ? आज सावन का पहला सोमवार है और सोमवार भक्तों की तादाद दिन बढ़ती जा रही, रात से हम लोग सेवादारी में सारे लड़के लगे हुए हैं हमारे, और सभी की व्यवस्थित व्यवस्था की गई है यहाँ पर, सेवादार के करीब 300 लड़के हमारे लगे हुए हैं बाबा से लेके चौराहे तक, और हर चीज की निगरानी करी जा रही है, पानी से लेके दिव्यांगों की तो व्यवस्था भी है यहाँ पर, व्हील चेयर्स वगैरह पानी की व्यवस्था है और प्रशासन मुहैया करा हुआ है साथ में हमारे, और शाम तक देखते हैं भक्तों की तादाद 1 से 1.5 लाख 2 लाख पहुंचने की। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर साफ तौर से जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, खास करके जो भक्त आए हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो सेवादार हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर सावन के सोमवार में यानी कि पहले सोमवार में तकरीबन 3 लाख लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। जिस तरह से यहाँ पर व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रशासन से लगा करके पुलिस प्रशासन और उसके साथ ही यहाँ के जो सेवादार हैं यानी कि मंदिर प्रशासन के लोग चुस्त दुस्त व्यवस्था के साथ भक्तों को दर्शन कराने में लगे हुए हैं। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।